तो गाइस एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से ऐप लॉब नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसकी लिंक जो है गाइस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, उसको आपको चूज करना है और देन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट डिस्कवर एंड शेयर का इनका एक मोटो टाइप का है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। देन आपको आगे बढ़ने की जो नीचे एक तरीके से आइकन मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराने के बाद आपका ऐप कुछ इस तरीके का दिखेगा, यहाँ पर आपको एंटर करना है और यहाँ पे कुछ परमिशंस को अलाउ करना पड़ेगा आपको उसको। देन आपके सामने जो एपीके है आपका कुछ इस तरीके का आने वाला है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ट्रेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे तरीके से ऐप आपके सामने आएंगे जो कि इन्हीं के टीम मेंबर्स ने बनाया है, जो कि आपके जैसे कुछ लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं उन्होंने इन ऐप्स को बनाया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप टाइप का एक दूसरा ऐप है जो कि एक चैटिंग ऐप है और नीचे आपको काफ़ी इस तरीके के ऐप्स देखने के लिए मिलने वाले हैं और जो कि आप देख सकते हो और आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो। देन इसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन इसके अंदर मिलने वाला है ऐप का, जिसके अंदर आप खुद का ऐप बना सकते हो जो कि मैं आगे आपको बता दूंगा। देन इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आने वाला है फेवरेट का और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है इसका ऑफर्स का। तो ऑफर्स के जो ये ऑप्शन है इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका जो इनका ऑफर्स का जो फीचर है आप इसको देखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐप के जो एक तरीके से ऑप्शन था उसमें आपको जाना है, यहाँ पे आपको अपने ऐप का नाम लिखना है और नीचे आपको अपने ऐप के बारे में लिखना है, वो आप खुद लिख लेंगे और आप इसके अंदर बिना किसी कोडिंग के आप एक प्रोफेशनल ऐप बना सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छा है। और एक और चीज़ बता दूँ, आप इसमें एक फ्री भी ऐप बना सकते हो, लेकिन अगर बिल्कुल प्रोफेशनल ऐप आप बनाना चाहते हो बिल्कुल रियल जैसा जैसे कि व्हाट्सएप फेसबुक होते हैं, तो उसके लिए आपको नेटिव ऐप के लिए आपको 4999 रुपीज़ को पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाते हो और नेटिव ऐप के लिए बनाने के लिए उनको कहते हो तो वहाँ पे आपको वो 50,000 रुपये ईजिली पे करने पड़ते हैं। तो आप इसमें बहुत सस्ते प्राइस में काफ़ी अच्छी ऐप बना सकते हो गाइस। तो आज की वीडियो के लिए मेरे पास यही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलूंगा आपको।